हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ डे 3 और आज हम लोगों को चेक इन करना है मेरीना बे सैंड्स में। तो अभी टाइम हो गया है 10:15 और 11 बजे हमारी टैक्सी आने वाली है, तो फटाफट से करते हैं पैकिंग। तो अभी हम लोग खड़े हैं चेक इन की लाइन में और हमारा लगेज वहाँ पीछे बाहर सबमिट कर दिया गया है, तो चेक इन करने के बाद ही हमें लगेज मिलेगा। बड़ी लंबी लाइन लगी है यहाँ पर चेक इन के लिए। तो चेक इन हो चुका है, लगभग आधा घंटा लग गया है चेक इन करने में। तो अभी अपने को जाना है टावर 3 में, 37th फ्लोर पे अपना रूम है। वाओ, पर्दे तो ऑटोमेटिक खुल गए इसके। सो दिस इज आवर रूम और यहां से दिखाई दे रहा है गार्डन्स बाय द बे। आई थिंक ये डोर भी ओपन हो सकता है शायद, और बालकनी में जा सकते हैं। अरे वाह, 37th फ्लोर से ये व्यू दिखाई दे रहा है हमें। दिस इज गार्डन बाय द बे और वो जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है सिंगापुर फ्लायर, और शायद ये F1 ट्रैक है जिसकी वजह से कल सारा बंद था। तो आज हम थोड़ी देर में अभी सिंगापुर फ्लायर भी जाएंगे और शाम को जाएंगे गार्डन बाय द बे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं होटल से और हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर फ्लायर। ये मेरे पीछे है मरीना बे सैंड और हमें जाना है वहाँ सिंगापुर फ्लायर, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फोटोशूट। तो यहाँ पर अभी पता चला है कि खराब मौसम की वजह से फ्लायर अभी बंद कर दिया इन्होंने टेम्परेरीली। देखते हैं अब यहाँ बैठ के कुछ टाइम पास करते हैं, अगर मौसम सही होता है तो फ्लायर कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रही है, कल F1 रेस की वजह से बंद था, आज बैड वेदर की वजह से बंद है। हल्की फुल्की बारिश थोड़ी सी हुई थी बट अभी ना कुछ हो नहीं रहा है। हो रही है, जैसे मेले में चरखी लगती है ना अपने यहाँ वैसी। अभी हम लोग आ गए हैं मरीना स्क्वायर मॉल में। अब यहाँ पर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट घूम के लंच करते हैं क्योंकि लंच का टाइम हो गया। कितना हो गया टाइम? 2:30 हो गया। तो ऊपर फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में जाके देखते हैं कुछ इंडियन मिलेगा। आजकल वैसे भी इंडिया में श्राद्ध चल रहे हैं तो नॉन वेज ही नहीं खा सकते। बैंगन की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और राइस और सांभर। तो अभी सिंगापुर फ्लायर मैंने कॉल करके पूछा था तो वो कह रहे थे कि अभी ऑपरेट हो रहा है, तो वापस चल के देखते हैं वहाँ पर। फाइनली टिकट मिल गई है फ्लायर की। अब ये आधे घंटे की राइड होने वाली है, पूरा सर्कल आधे घंटे में कवर होगा। तो सिंगापुर फ्लायर के बाद हम लोग सीधे होटल आ गए हैं। पहले सोच रहे थे कि मरलाइन देखने जाएंगे बट शाम को गार्डन्स बाय द बे भी जाना है और 4:30 ऑलरेडी बज गए हैं। तो अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और फिर मिलते हैं गार्डन बाय द बे में।
आधे घंटे टिकट की लाइन में लगने के बाद और 45 मिनट एंट्रेंस की लाइन में लगने के बाद हम पहुँचे हैं OCBC स्काईवे में। अब यहाँ पर वॉक करते हुए गार्डन्स बाय द बे का नज़ारा लेते हैं। OCBC स्काईवे से ये मरीना बे सैंड्स का व्यू और वो दूर दिखाई दे रहा है सिंगापुर फ्लायर। अभी टाइम हो रहा है 7:40 और 7:45 पे यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होने वाला है। लाइट एंड साउंड शो के बाद अब हम लोग जा रहे हैं फ्लावर डोम। फ्लावर डोम के बाद हमें जाना था क्लाउड फॉरेस्ट, गार्डन्स बाय द बे का तीसरा पार्ट, लेकिन आज मेंटेनेंस की वजह से क्लाउड फॉरेस्ट बंद है। इस ट्रिप में कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा है, कभी कुछ बंद हो रहा है कभी कुछ। सुबह फ्लायर बंद था, अभी ये बंद है, तो देखते हैं अगर कल सुबह टाइम मिलेगा तो कल सुबह हम क्लाउड फॉरेस्ट आएंगे। 9 बजे से चालू हो जाता है, तो अभी चलते हैं होटल और फिर आगे देखते हैं कहाँ जाना। तो अभी जैसे ही हम होटल अपने रूम में आए तो यहाँ पर हमें एक सरप्राइज़ मिला होटल वालों की तरफ से। सरप्राइज़ है ये बतख और ये केक इन्होंने हमें दिया है, क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी थी तो होटल की तरफ से ये छोटा सा सरप्राइज़ होटल वालों को अपनी तरफ से थैंक यू रहेगा। अभी हम लोग आ गए हैं मरीना बे सैंड्स की ऑब्जर्वेशन डेक पे और मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। अभी हम लोग जा रहे हैं वो कॉर्नर पे, ऐसा लग रहा है टाइटैनिक जहाज के फ्रंट पे आ गए। ये है यहाँ का इन्फिनिटी पूल, कल सुबह आएंगे इधर। अभी कसिनो से निकल के हम लोग जा रहे हैं मरलैन पार्क। आज हमारी काफ़ी सारी वॉक हो गई, ये ब्रिज बड़ा अच्छा है। ये हम पहुंच गए हैं मरलैन, ये मेरे पीछे ये है शेर और मछली का मिक्सचर, विचित्र प्राणी जो मुंह से पानी छोड़ रहा है। यहाँ पर जो आसपास का नज़ारा है वो काफ़ी शानदार है। तो अभी रात के 11:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं इंडियन फूड खाने। तो जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है बोट कुए और वहाँ पे कोई महाराजा रेस्टोरेंट है जहाँ हम खाना खाने जाने वाले हैं। ये जगह है बोट कुए, यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और ये ओपन एरिया है रिवर साइड पर और अपन लोग जाएंगे यहाँ महाराजा। यहाँ पे बड़ी सही टेबल मिल गई है हमें एकदम रिवर साइड पे और ये रेस्टोरेंट एकदम बंद होने ही वाला था कि लास्ट ऑर्डर हमने दिया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज बहुत सारा घूम लिए और बहुत थक भी गए हैं। कल जाएंगे सेंटोसा आइलैंड
तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।